हेलो, वेलकम टू फिनिश एजुकेयर। वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो बेसिकली 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए है और महाराष्ट्र बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए है। बाकी बोर्ड के बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी मैं ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ वो पॉइंट्स 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी बोर्ड का सिलेबस, बाकी बोर्ड का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, थोड़ा अलग होता है। और मेरा खुद का जो एजुकेशन है, मेरा खुद का स्कूलिंग है, वो महाराष्ट्र बोर्ड में हुआ है, तो मुझे महाराष्ट्र बोर्ड के बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। सो मैं उनके बारे में बात करूँगा। सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज मच वॉच वीडियो फॉर 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। सो आई विल गाइड यू हाउ यू हैव टू स्टडी, हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, वॉट शुड बी युअर मेंटॅलिटी वेन यू आर इन 9th स्टँडर्ड। सो 9वीमध्ये अभ्यास कसा करावा याच्याबद्दल या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला माहिती देणार आहे। तर सबसे पहिला, 9th स्टँडर्ड इज मोर टफर दॅन 10th स्टँडर्ड अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से 9th स्टँडर्ड 10th स्टँडर्ड से भी टफ होता है। अब ये क्यों होता है, क्या रीज़न है, इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। और 9th स्टँडर्ड जो है ये 10th स्टँडर्ड का बेस है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा 8th स्टैंडर्ड को देखा होगा और आपने अभी 9th स्टैंडर्ड देखा होगा, 9th स्टैंडर्ड के बुक्स अगर आपने खरीदे होंगे या फिर आपने डाउनलोड किया होगा टेक्स्ट बुक्स, तो नए जो टॉपिक्स है वो इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, ज्योमेट्री या मैथ्स 1 मैथ्स 2 जैसे भी आप बोल सकते हो, तो उसमें अलजेब्रा आता है, ज्योमेट्री आता है। ये पहले आपको नहीं था। 8th स्टैंडर्ड में कैसे एक ही बुक होता था मैथ्स का, अभी अलग हो गया। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा एक अलग टॉपिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद साइंस में अगर देखोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, ये आपको उसमें दिखेगा। फिजिक्स दिखेगा, केमिस्ट्री दिखेगा, बायोलॉजी दिखेगा। अगर आप कॉमर्स में हो, कॉमर्स के सब्जेक्ट देखोगे तो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होता है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसा थोड़ा टॉप ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स भी सिखाते हैं। उसके बाद सोशल साइंस अगर देखोगे, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए कुछ अलग बुक्स नहीं है, थोड़ा हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा है। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे तो CBSE बोर्ड का देखोगे तो 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा टफनेस बढ़ जाता है। जो 8th स्टैंडर्ड का जो सोशल साइंस है और 9th स्टैंडर्ड का है, उसमें बहुत डिफरेंस है। 9th स्टैंडर्ड का थोड़ा डिफिकल्ट है और 4 अलग अलग बुक्स होते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए अलग होता है, पॉलिटिकल साइंस के लिए अलग होता है, उसके बाद हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए अलग अलग 4 बुक्स होते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आपने देखा तो मैंने यहाँ बोला है कि 9th स्टैंडर्ड इज़ टफर दैन 10th स्टैंडर्ड। सो 9th स्टैंडर्ड अगर आप देखते हो तो 9th स्टैंडर्ड में ये सब जो टॉपिक्स है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो भी उसमें के अंदर जो भी लेसन होते हैं, जो भी सम्स आते हैं, ये सब बेस होता है। इसका ही टफर वर्जन 10th में आता है, ज्योमेट्री का भी सेम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी। तो अगर आपका बेस वीक हुआ 9th स्टैंडर्ड में, अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया, अगर आपने कॉन्सेप्ट्स ठीक से नहीं समझा, तो 10th स्टैंडर्ड में भी आपको प्रॉब्लम होगा। उसके आगे भी अगर आप जाओगे तो 11th स्टैंडर्ड में अगर आपने साइंस लिया तो आपका फिजिक्स के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, या बायोलॉजी के नहीं है, या फिर मैथमेटिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको 11th में भी प्रॉब्लम होगा, 12th में भी प्रॉब्लम होगा। तो 9th स्टैंडर्ड एक इंपॉर्टेंट ईयर होता है, जिसका इम्पैक्ट आपको 10th में भी होगा, 11th में भी होगा, 12th में होगा, और उसके आगे भी हो सकता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन 9th स्टैंडर्ड, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी प्रॉपरली। अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 8th तक आपने पढ़ा होगा, वैसे अगर आप पढ़ते रहोगे, बाय हार्ट अगर किया होगा 8th तक, तो अगर आप 9th में भी करते रहोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा टॉपिक आपको समझ में आता है, कौन सा नहीं आता, आपने सिर्फ रट्टा मार लिया है। तो ऐसा मत करो, ओके। सो इट इज़ बेस फॉर 10th स्टैंडर्ड, और उसके आगे भी 11th 12th, जो आपको पता होगा कि नया एजुकेशन सिस्टम आने वाला है नया, उसमें भी 9th 10th 11th 12th, ऐसा उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया, मतलब 9th से 12th तक उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया। तो क्यों है, क्योंकि 9th का ही पूरा आगे कंटिन्यूएशन होगा। सो 9th स्टैंडर्ड इज़ बेस फॉर 10th स्टैंडर्ड एंड योर हायर एजुकेशन ऑल्सो। तो हायर एजुकेशन के लिए भी 9th स्टैंडर्ड एक बेस है, तो उसमें नए टॉपिक्स आते हैं, और वो टॉपिक्स को अगर आपने ठीक से किया, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो आपको 10th में भी फ़ायदा होगा, 11th में भी फ़ायदा होगा, 12th में भी फ़ायदा होगा। अगर आपने वापस 8th जैसे ही पढ़ाई किया, रट्टा मारा, तो आपको आगे डिफ़िकल्टी होने वाला है। अभी पता है कि मुझे पता है कि बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हो, किसी के क्लासेस नहीं हो रहे, कहीं कहीं से आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो जैसे भी आप पढ़ रहे हो, देखो ये टफर टाइम चल रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। अगर आपने इसमें थोड़ा एफर्ट्स नहीं डाला, इसमें आपने चिल किया या टाइम पास किया, जैसे एक बच्चे का मुझे कमेंट आया था जो अभी 10th में जाने वाला है, तो उसने बोला था कि 10th में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो 9th में उसने कुछ नहीं पढ़ा था, कुछ पढ़ा नहीं, पास हो गया। उसकी भी बोल नहीं सकते, उसकी भी गलती है, गलती तो उसकी है, लेकिन पूरी गलती उसकी नहीं, क्योंकि सिचुएशन ही ख़राब है। स्कूल में भी टीचर्स भी सिखा नहीं पा रहे ठीक से, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से पूरा अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ये अलग अलग रीज़न है। लेकिन आपने अगर ये रीज़न को ही देखा कि चलो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से मैंने पढ़ा नहीं, तो प्रॉब्लम क्या होने वाला है, जब ये सब सिचुएशन नॉर्मल होगा तभी तो स्कूल में सब जाना है आपको या कॉलेज में जाना है, तो आपको तभी प्रॉब्लम होगा, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और आपको भुगतना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूज़ करो
और आपका पढ़ाई अच्छा करो या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो। सो हायर एजुकेशन के ऊपर आपको इम्पैक्ट नहीं होगा। सो 900 इज़ बेस फॉर योर हायर एजुकेशन। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ये कैसे बेस है। मराठी मध्ये एकदा मी सांगतो की हे जे बीजगणित किंवा भूमिती भौतिकशास्त्र रसायनशास्त्र ठीक आहे बायोलॉजी जीवशास्त्र हे सगळे जे विषय आहेत हे विषय 9वीमध्ये पहिल्यांदा येतात। ठीक आहे 9वीमध्ये जर आपण त्याला समजून नाही घेतला विषयांना तर आपल्याला 10वीमध्ये पण समजणार नाही 11वीमध्ये 12वीमध्ये पण समजणार नाही। मग आपल्याला काय करायचं की 9वीमध्येच हे विषय आपल्याला जे पण बघ हे जे विषय आहेत ते सांगणे समजून घ्यायचे आहेत आणि ह्या सब विषयांवरून आपल्याला समजतं पण आपल्याला आपला कल कशामध्ये आहे आपल्याला कुठले सब्जेक्ट आवडतात आपल्याला कुठले विषय आवडतात। जसं तुम्हाला जर गणित आवडतं तर तुम्हाला नंतर गणितामध्ये पण तुम्ही जास्त शिकू शकता। तुम्हाला जर बायोलॉजी आवडतं तर तुम्ही फार्मसी किंवा डॉक्टर हे सगळे बनू शकता। ठीक आहे केमिस्ट्री मॅथमॅटिक्स आणि गणित आवडतं ठीक आहे मॅथ्स आवडतं मॅथमॅटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री आवडतं तर तुम्ही इंजिनिअरिंग साईडला जाऊ शकता। तो यहां से हमें समझ में आता है कि कौन सा आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है कौन सा आप स्ट्रीम चूज कर सकते हो। ठीक है तो जैसे मैंने बोला डोंट जस्ट बाय हार्ट द आंसर्स बाय हार्ट मत करो ये बहुत गंदी आदत है। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को मैंने देखा है बहुत गंदी आदत है ये जो बच्चे क्या करते हैं बाय हार्ट करते हैं। सम्स भी बहुत सारे बच्चे बाय हार्ट करते हैं फिजिक्स के डेरिवेशंस भी बाय हार्ट करते हैं। उसका प्रॉब्लम क्या होता है आगे अगर आप जाओगे अगर आपको ये नीट देना है या फिर आपको जेई देना है आगे तो ये बच्चे उसमें बहुत पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि उनको क्या है बाय हार्ट करने का आदत है। एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में तो उतना ही क्वेश्चंस वो पढ़ते हैं उतना ही टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद उसके बाहर के कोई भी सम्स उनको आते नहीं है। तो आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले नीट होने वाला है या CET होने वाला है या फिर जो JEE का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं। इसका मेन रीज़न है कि बच्चे बाय हार्ट करते हैं दे आर नॉट फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर योर कंसेप्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। अगर एक्सरसाइज में 10 सम दिया है तो उन बच्चों को क्या होता है 10 ही सम आते हैं क्योंकि उन्होंने जितना बार उसको प्रैक्टिस किया होता है कि उनको याद हो जाता है। अगर ट्विस्ट करके कोई दूसरा सम दिया तो उनको नहीं आता है। ठीक है तो काय करायचं आहे तुम्हाला कुठलाही विषय आहे तो समजून घ्यायचा आहे त्या त्यामध्ये जे जे टॉपिक आहे ते समजून घ्यायचे आहे। समजून घेतल्यानंतर तुम्ही पुढे जाऊन चांगला अभ्यास करू शकता। जर तुम्ही समजणार नाही फक्त पाठांतर केलं तर काय होणार तुम्हाला काही समजणार नाही फक्त तुम्ही उत्तरं लिहून येणार तुम्हाला मार्क्स भेटणार पण नंतर जेव्हा तुम्ही 11वी किंवा 12वीला जाणार किंवा 10वीला जाणार तर तुम्हाला काही समजणार नाही कारण तुम्ही काही पाठ केलेलं आहे। तिकडे पण तुम्ही 10वीला पाठ करणार किती दिवस पाठ करणार तुम्ही जसं जसं तुमचा अभ्यास वाढत जाईल तर तुम्ही सर्व पाठ करू नाही शकत। समजून जर घेतलं तर तुम्ही स्वतःच्या शब्दामध्ये पण लिहू शकता। ठीक आहे सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक है जो महाराष्ट्र बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र बोर्ड में आपको पता होगा 6 सिलेबस होते हैं 6 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें से 3 सब्जेक्ट होते हैं लैंग्वेज। ठीक है हिंदी मराठी इंग्लिश या जो भी आपने लैंग्वेज देखा है तो 300 मार्क्स लैंग्वेज के ऊपर होते हैं। तो लैंग्वेज अगर आपने पढ़ाई नहीं किया अच्छा तो 50% मार्क्स आपके कम उसमें इफेक्ट हो जाते हैं। तो लैंग्वेज का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी महाराष्ट्र बोर्ड में अच्छे अच्छे मार्क्स मिलते हैं उनको सबसे कम मार्क्स लैंग्वेजेस में ही आते हैं क्योंकि लैंग्वेजेस में फुल मार्क्स स्कोर करना या 90 मार्क्स भी स्कोर करना बहुत बहुत डिफिकल्ट है। 85 भी मिल गया तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये CBSE के लिए एप्लीकेबल नहीं है। CBSE में ईजी है स्कोर करना महाराष्ट्र बोर्ड में डिफिकल्ट है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ऑल्सो। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड से ही स्टार्ट करोगे तो 10th में भी फायदा होगा। ठीक है सो ये जैसे मैंने बोला कि आपको इंटरेस्ट समझ में आ सकता है जैसे आपको बायोलॉजी पसंद है तो आप 10th में भी अगर आपको बायोलॉजी पसंद आ रहा है तो आप 11th में बायोलॉजी ले सकते हो या उसके बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है बायोलॉजी में तो 12th के बाद बायोलॉजी का जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी या फिर जो मेडिकल साइंस है डॉक्टर है या फिर आप फार्मेसी उसमें जा सकते हो। ठीक है किसी को केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री में जा सकते हैं फिजिक्स पसंद है तो फिजिक्स में जा सकते हैं। ये सब कभी आपको समझ में आएगा फिजिक्स पसंद है या केमिस्ट्री पसंद है जब आप समझ के पढ़ोगे सिर्फ बाय हार्ट करोगे तो कभी नहीं समझ में आने वाला है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स। ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक्स इंस्टेड ऑफ बाय हार्टिंग यू हैव टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक्स देन ओनली दिस इज़ एप्लीकेबल। नहीं तो आप बाय हार्ट करोगे तो क्या आपको मार्क्स मिलेगा आपको पता चलेगा अरे मुझे साइंस तो बहुत अच्छे से आता है क्योंकि मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकली आपको 0 नॉलेज है उसका या कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है जब बाय हार्ट कर रहे हो। ऐसा मत करो हर एक टॉपिक को समझ लो समझ के पढ़ोगे तो आपका हर किसी टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट होगा और जिस टॉपिक में इंटरेस्ट क्रिएट होगा उसमें आप हायर स्टडीज़ कर सकते हो। सो इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स जैसे मैंने बोला राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एसेज लिखते हो आप लेटर राइटिंग लिखते हो इसमें क्या होगा आपके जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में उसमें आपको फ़ायदा होगा। रीडिंग भी कर सकते हो अलग अलग बुक्स रीड कर सकते हो आप तो उसमें या टाइम पास करने से अच्छा आप बुक्स रीड कर सकते हो उसमें आपको आगे फ़ायदा होने वाला है।
ठीक है, वर्क ऑन योर आंसर पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स। अभी ऑनलाइन जो चल रहा है उसके वजह से आंसर पेपर वगैरह आप नहीं लिखते हो, लेकिन नॉर्मल अगर सिचुएशन होता तो आप स्कूल्स में आंसर पेपर लिखते, तो उसमें क्या होता है कि आंसर पेपर जो प्रेजेंटेशन होता है, पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, मैथमेटिक्स के सम अगर सॉल्व करते हो आप, तो उसका एक तरीका होता है सॉल्व करने का, अच्छा दिखना चाहिए आंसर, जो फाइनल आंसर आता है उसको बॉक्स बनाते हैं या अंडरलाइन करते हैं, उसका एक पेपर पेपर प्रेजेंटेशन होता है। अगर आपने 9th से ही शुरुआत किया प्रेजेंटेशन करना, आपने समझ लिया कि कैसे प्रेजेंटेशन करना है, तो आपको 10th में भी आदत लगेगी या उसके बाद 11th में 12th में भी आदत लगेगी। सो 9th से आप पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि मेरा 100 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है, तो 10th में भी आपको उसका प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको कुछ इशू नहीं होगा। सो 9th से ही आप प्रिपेयर करो, पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान दो, बहुत सारे वीडियोज़ है यूट्यूब के ऊपर, आप देख सकते हो कि कैसे पेपर प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर जाके देखो और अप्लाई करो। ये नॉर्मली अभी अप्लाई नहीं कर सकते हो आप क्योंकि आप घर में हो, स्कूल में नहीं जा रहे हो, लेकिन फ्यूचर में अगर किसी ने वीडियो देखा है जो स्कूल में पढ़ रहा होगा तो ये अप्लाई कर सकता है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम ऑन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट। तो जितना आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है वो यूटिलाइज करो, आपका बेस फाउंडेशन जो है आपका स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूटिलाइज करो। अगर आपने ये साल टाइम पास किया तो आप चलो ठीक है ऑनलाइन एग्जाम की वजह से पास भी हो जाओगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर सिचुएशन नॉर्मल हुआ तो आपको स्कूल जाना है, 10th का प्रिपरेशन करना है, तो अगर 10th का प्रिपरेशन करना है तो 9th का तो बेस अच्छा होना चाहिए। 9th में आपने टाइम पास किया तो 10th में आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर 9th स्टैंडर्ड। जो भी आपको रिसोर्सेज मिल रहा है, जहाँ से भी आप पढ़ पा रहे हो वहाँ से पढ़ो, ठीक है, जो भी आपको जो भी टीचर से पढ़ रहे हो या कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जितना भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको ठीक से यूटिलाइज़ करो, कुछ एफर्ट डालो और इम्प्रूव करने का कोशिश करो, आपका जो फाउंडेशन है वो जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग करो, तो आपको 10th में 11th में 12th में और उसके आगे भी हायर स्टडीज़ में फ़ायदा होने वाला है।